हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है JSSC जो PGT के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप कि आपने हमारे जो प्रीवियस जो मैंने अभी तक इतने सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, लेक्चर्स बोलना गलत रहेगा, मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं उनको आप देख रहे होंगे, उनको खुद से सॉल्व किया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था और आई होप कि आपने जरूर कमेंट सेक्शन में से उत्तर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, हिंदी में है बट मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि ऊर्जा के सम विभाजन यानी इक्वी पार्टीशन के अनुसार, यानी लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन के अनुसार, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के अनुसार किसी ठोस की अनुनक विशिष्ट विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। 3/2R, 2R, 5/3, 3R। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि इसमें जो है ठोस की अनुनक बेसिकली आपसे इसमें जो ये रेशियो है मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपसे पूछी गई। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे जो आएगा डायरेक्टली किसी सॉलिड सब्सटेंस के लिए, तो फैक्ट वाली बात है यहाँ जो होगा 3R होगा, ठीक है, डायरेक्ट है। कहाँ से आया है जल्दी से मुझे बताइएगा, डिवाइस थ्योरी का यूज़ करके कि आया है कि आइंस्टीन थ्योरी का यूज़ करके आया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी होम स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं पूरा ऑप्शन आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ना टेम्परेचर इंट्रोपी यानी TS डायग्राम में, ठीक है, टी यानी इंट्रोपी, टेम्परेचर और इंट्रोपी का कर्व में द स्लोप ऑफ अ आइसोकोरिक कर्व, ठीक है, आइसोकोरिक कर्व में, आइसोकोरिक किसको बोलते हैं जिसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है यानी DV क्या हो जाने वाला है जीरो, उसके लिए जो स्लोप होगा क्या होगा TS कर्व में। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है T/3CV, सेकेंड ऑप्शन है T/CV, थर्ड ऑप्शन है T/2CV और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2T/CV। ओके, वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आप यूज़ करते हैं तो DQ इज इक्वल टू क्या होता है, DU + DW होता है। यहाँ से जब आप DQ और DU की जब आप वैल्यू यूज़ करते हैं तो वो हो जाता है CVdT और DW जो होता है वो P × dV है। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन प्रोसेस जो यूज़ करने बोला गया है वो है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसके लिए DV क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो दैट मींस हो जाएगा कि DQ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा CV × dT हो जाएगा। ओके, बट DQ जो होता है वो क्या होता है, TdS इज इक्वल टू CV × dT। और जब आप यहाँ से निकालते हैं, ध्यान से देखिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, जब आप यहाँ से DT/DS निकालने जाएंगे तो आपका क्या आएगा, T/CV आने वाला है, T/CV। और आपको पता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि T versus S की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो भी कर्व होगा, जो आपका स्लोप होगा, बेसिकली स्लोप जो होता है, जैसे कि आप अगर Y versus X करते हैं DY/DX, तो यहाँ क्या आएगा, DT/DS आएगा। तो DT/DS का वैल्यू T/CV, और उस हिसाब से अगर आप देखने जाते हैं तो ऑप्शन नंबर B इज योर राइट आंसर। क्लियर है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, हिंदी में है बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको समझाने की कोशिश। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि दो समांतर तार AL, ठीक है, AL और BM L दूरी पर रखे हुए, ठीक है, AL और BL दो को पैरेलल वायर्स है जिनके बीच में डिस्टेंस क्या है, L है, जो एक अवरोधक R से जुड़े हुए, जो कि आपस में रेसिस्टेंस R से जुड़े हुए हैं। बी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र तारयुक्त प्लेन से लंबवत है, ठीक है, बी जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या है, क्रॉस है, मतलब आपका आउटवर्ड सॉरी इनवर्ड है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यानी इस प्लेन से इनवर्ड जा रहा है। अन्य तार CD, एक तार है CD, अब इन दोनों तारों को लंबवत जोड़ता है, इन दोनों को CD जोड़ता है, इसको कंप्लीट लूप बना देता है। वी वेग के साथ स्लाइड करता है, इसको आप वी वेलोसिटी के साथ स्लाइड करवा रहे, ये नहीं कहा गया कि अंदर तरफ है कि बाहर तरफ जा रहा है, ठीक है। CD तार द्वारा स्लाइड करने के लिए प्रति सेकंड के काम की, यानी CD जो है वर्क जब कर रहा है तो प्रति सेकंड काम की गणना, जब CD यहाँ स्लाइड कर रहा है विथ सम वेलोसिटी V, तो उस केस में पर सेकंड में कितना वर्क हो रहा है ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है, तो ऑप्शंस जो है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पहला ऑप्शन है वो BL²V/R हो जाएगा, BL²V/R हो जाएगा, B²L²V/R हो जाएगा, और एक है BLV/R हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन का जो पर्पज़ है मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपसे पूछा था कि
वर्क बाय टाइम, वर्क तो वर्क बाय टाइम यानी आपसे पूछा है पावर, ठीक है। और पावर जो होता है, अगर हम करंट की बात करते हैं, करंट में आपका होता है वी स्क्वायर बाय आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते तो आसान, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज ऑलरेडी गिवन एज आर, तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में कि आपने जब इसको स्लाइड कर रहे तो इसमें मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट आएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे जेई एडवांस के भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, आप चाहे तो उनको जाके देख सकते हैं। तो आपको पता है जो मोशनल ईएमएफ होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो बी एल वी होता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से पावर है, दैट इज मीन्स जो आपको निकालने मिलेगा वर्क बाय टाइम, तो यहाँ से जो पोटेंशियल वर्क बाय टाइम, और आपको पता है मैंने तुरंत बताया वो वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ वी का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। तो दैट मीन्स है कि जब आप इसको पुट कर रहे हैं तो यहाँ से बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, यानी उस हिसाब से देखने जाते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस कुछ अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं अगले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट व्हाट स्पीड मस्ट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन दिस ग्राउंड स्टेट इन ऑर्डर दैट इट मे नॉट बी पुल्ड इन टू द न्यूक्लियस बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। आपको क्वेश्चन पढ़ देख सकते हैं, ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए और इसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।